स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया। मैं आज बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी फोर्थ फेज के शेड्यूल के रिगार्डिंग में आपसे बात करने आया हूं, ठीक है। यानी कि फोर्थ फेज का अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, तो इसी के रिगार्डिंग में बात करने आया हूँ आपसे सभी से, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारा क्वेरी था कि सर फोर्थ फेज का एग्जाम कब से शुरू होगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट फेज का जो एग्जाम था, फर्स्ट फेज से लेके सेकंड फेज का जो एग्जाम हुआ था, इसका सीटी इंटीमेशन बहुत जल्दी आ गया था और ये 10 दिन पहले आ गया था, ठीक है। फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक, यानी यहाँ तक स्टार्ट हुआ था। लेकिन देखिए मामला यहाँ पे है कि पहला और दूसरा फेज में डिफरेंस हमारा क्या था कि इन दोनों सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से, ठीक है, और पहला फेज 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, इसमें 3 दिन का गैप था। लेकिन जब सेकेंड थर्ड फेज का जब नोटिस आया, जब थर्ड फेज का हमारे पास नोटिस आया, तो थर्ड फेज का नोटिस हमारे को मिला कितना तारीख को, तो 20 जनवरी को हमारा नोटिस आया और 21 जनवरी से हमारा सिटी इंटीमेशन लिंक एक्टिवेट हो गया। और थर्ड फेज का एग्जाम कब से शुरू हो गया, 31 जनवरी से अभी चल रहा है। अभी थर्ड फेज का एग्जाम चल रहा है 31 जनवरी से। ये आज 3 फरवरी हो गया और अभी तक एग्जाम थर्ड फेज का चालू है। लेकिन देखिए थर्ड फेज का जो एग्जाम है वो 31 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक चलना था। लेकिन देखिए सेकेंड फेज का जो एग्जाम था, सेकेंड फेज का एग्जाम खत्म हुआ 30 को और 31 जनवरी से एग्जाम शुरू हो गया, यानी इसमें गैप नहीं रहा, यानी 30 को खत्म हुआ और 31 तारीख से एग्जाम शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तक फोर्थ फेज की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ फेज का एग्जाम का कोई सिटी इंटीमेशन नहीं है, कोई लिंक अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो सारे लड़के परेशान है कि अभी तक नहीं आया, क्या एग्जाम का डेट बढ़ने का चांस है या नहीं, ये सारी बातें हैं, तो यही हम समझने वाले हैं। देखिए आपने देखा है फर्स्ट और सेकंड फेज में 3 दिन का गैप था, तो हम वही उम्मीद लगा रहे हैं कि सेकंड फेज में अगर गैप नहीं था तो 31 जनवरी से लेके 12 जनवरी को थर्ड फेज खत्म हो जाएगा। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि पहला में 3 दिन का गैप था, 13 से 16 जनवरी में 3 दिन का गैप था, तो क्या 12 से नहीं होके 12 फरवरी को थर्ड फेज का एग्जाम खत्म होगा, तो क्या फोर्थ फेज का एग्जाम आपका 15 फरवरी से होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर 15 फरवरी से एग्जाम अपडेट होगा तो इसका मतलब है कि आज नहीं 4 फरवरी को सिटी लिंक एक्टिवेट होने का चांस है, कि 4 फरवरी को सिटी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 5 फरवरी से आपको दिखाने लगेगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 5 फरवरी से देखा है 10 दिन पहले, तो ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है। ये मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीद पे बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है अगर आज आ जाए कोई नोटिस आ जाए कोई लिंक, तो आप अगर आज नोटिस आ जाए 4 फरवरी को, अगर कोई आज 3 तारीख है तो 3 तारीख को अगर नोटिस आ जाए 3 फरवरी को, तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम 12 फरवरी को खत्म होगा थर्ड फेज का, या तो अगला दिन या उसके बाद शुरू हो जाए, तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड में 3 दिन का गैप है, तो मे भी आगे भी अगर थर्ड और फोर्थ के बीच में कहीं 3 दिन गैप हो सकता है, क्योंकि अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, कोई नोटिस नहीं आया, सारे लोग परेशान हैं, तो इस वजह से ये सारी बातें दिमाग में आ रही थी। तो बहुत लोग का क्वेरी था, तो मैं सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि मैं एक प्रूफ के तौर पे आप सभी को ये चीज मैं दिखा सकूं कि फर्स्ट और सेकेंड में 3 दिन का गैप था, तो हो सकता है थर्ड और फोर्थ में भी 3 दिन का गैप हो सकता है। नहीं तो अगर आज 3 फरवरी है ही, अगर आज कोई नोटिस शाम तक आ जाता है तो उसका आप वेट कीजिए, अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 13 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा, ये मुझे नहीं लग रहा है। मुझे क्या, मैंने इस पे पोल भी किया था, कम से कम उस पे 13 फरवरी से एग्जाम नहीं होने का बहुत परसेंटेज चांस, लोग बोल रहे हैं कि नहीं होने का चांस है, यानी कि 57+ के आसपास लोग उस पे वोट किए हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, ये मैं आपको एक लिखित तौर पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये सारी बात है, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।